समय हम चांदिवली विधानसभा के उस क्षेत्र में बैठे हैं जहां पर चांदिवली का नेतृत्व पिछले कई वर्षों से यहां पर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शिवसेना में एक जमनी स्तर से शिवसेना के कार्यकर्ता रूप में यहां पर शिवसेना को मौजूद करने का काम किया है। ऐसी शख्सियत नाम है एकनाथ घाट जिनकी ऑफिस में बैठे हैं। मौजूदा हालत में आज चांदिवली विधानसभा में उनको चांदिवली विधानसभा संगठक की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज महानगर पालिका ने आज एक लिस्ट जारी की है कि आने वाली 3 तारीख यानी कि 3 अक्टूबर को महानगर पालिका की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने फ्लैश न्यूज के माध्यम से सबसे पहले हमने सर्वे का काम चांदिवली विधानसभा संगठक के विभाग प्रमुख सम्माननीय एकनाथ घाट से शुरू किए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एकनाथ घाट साहब, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए यह है कि चांदिवली विधानसभा में आपको 3 ऐसे नगर सेवक जो बने बनाए मिल गए हैं, उसके बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, ये जो 3 नगर सेवक है उसमें से 2 शरद पवार और ईश्वर ताइडे ये पहले शिवसैनिक की थे। कुछ कारणवश उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत के आए, लेकिन शिवसैनिक होने के कारण उनके दिल में हमेशा यही था कि हमको शिवसेना से जुड़ना चाहिए। और वो हम लोगों से हमारे विभाग प्रमुख साहब पुतनी साहब उनके जरिए उद्धव साहब के पास जाकर के शिवसेना में दाखिल हुए। और वो शिवसेना में आने के वजह से हमारे बाकी के जो वार्ड अभी आज यहाँ पर चांदिवली के 7 वार्ड थे उसमें अभी 9 वार्ड हो गए और हम लोगों को ताकत मिली है। वो 2 जन है, फिर अन्ना मलाई है जो अपक्ष में उनकी मिसेस लड़की आई है ललिता भाभी, और अन्ना मलाई भी एक बहुत अच्छा नगर सेवक का अच्छा कार्यकर्ता है। और ये सब की ताकत से शिवसेना में आज की चांदिवली की स्थिति ऐसी है कि चांदिवली के 9 के 9 वार्ड हम लोग चुन के लाएंगे और लाने का हम लोग ने संकल्प किया है कि 9 के सब 9 पूरे वार्ड किसी भी हालत में हमको चुन के लाना है। घाक साहब, अगर जिस तरह आप बोले चांदिवली विधानसभा के अंदर 9 वार्ड है, 9 नगर सेवक आने वाले हैं, तो क्या आपकी बात को ये मान लूं कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर आपका बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ? पता नहीं, ये तो उद्धव साहब जो कहेंगे उनका आदेश हम लोग पालन करेंगे, वो उनका पार्ट है। अगर उन्होंने गठबंधन को हाँ कहा तो हम उनके साथ में, उन्हें ना कहा तो भी हम लोग साथ में है। और यहाँ शिवसेना का गठबंधन होने दो ना होने दो, शिवसेना के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको सबको हम लोग चुन के लाएंगे। घाट साहब, हमेशा गठबंधन में ये बात सामने आई है कि जहाँ जहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार, जैसे पिछले लोकसभा में हमने देखा हुआ है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा हुआ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से शिवसेना से हमेशा ये मलाल रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार को शिवसेना कार्यकर्ता मदद नहीं करते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को शिवसेना कार्यकर्ता मदद नहीं करते चुनाव को लेकर? उल्टी बात बोले आपने, शिवसेना मदद करती है इसके लिए बीजेपी आगे बढ़ गई। शिवसेना अगर उनको मदद नहीं करती थी तो इतने बड़े तादाद से आज मुख्यमंत्री भी बीजेपी का नहीं होता था। शिवसेना ने मदद की, अब दिल से मदद किया। उल्टा हम तो कहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता हमको जिस तरीके से चुनाव में मदद करना चाहिए या विश्वास रखना चाहिए उतना विश्वास भी नहीं रखते। और क्या आपने बोला जी, सपोर्ट की बात, सपोर्ट की बात किया तो उतना सपोर्ट उनसे नहीं मिलता, लेकिन हम लोग दिल से काम करते हैं। लेकिन घाक साहब, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह की अभी गणेश उत्सव अभी हाल ही में खत्म हुआ है, जिस तरह महानगर पालिका ने मुस्तैदी दिखाया गणेश उत्सव को लेकर, रस्ते खड्डे पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन गणेश विसर्जन होने के बाद
फिर मुंबई की सड़कें जस की तस हो गई हैं, जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि खड्डा कहाँ है, सड़क कहाँ है। ऐसी कुछ नहीं बात है, छोटे छोटे अक्खा हर रोड में गणेश उत्सव के खड्डे नहीं रहते, वो तो जहाँ पर जो मंडप डाला जाता है उतना थोड़ा सा भाग में रहेंगे, और महापालिका को जिन्होंने परमिशन लिया है महापालिका से, वहाँ पर का खड्डा तो बुझाया जाता है। और जैसा कि जो बोला जाता है कि खड्डे कहाँ है और रास्ता कहाँ है समझ में आता है, सब झूठी बात है। मुंबई के रास्ते सबसे अच्छे है, अगर कहीं छोटा मोटा होगा तो उसको कर लेंगे, तो महापालिका का अधिकारियों को काम वर्कर्स को मालूम पड़ेगा यहाँ खड्डा है तो वो बना देते तुरंत। जाते जाते घाक साहब आपसे आखिरी सवाल, इस बार जनता सिसोदिया को क्यों वोट देगी? इसलिए कि आज बीजेपी का राज आने के बाद भी जैसा कांग्रेस का जो था वही चला है, और लोगों का विश्वास यह है शिवसेना अगर रहेगी तो हमको हर चीज में समाधान मिलेगा, हर चीज में मदद मिलेगी, हर दुख में शिवसेना के कार्यकर्ता साथ में रहेंगे, ये लोगों का विश्वास है। इसके लिए शिवसेना को ही लोग मतदान चुन के देंगे। घाक साहब फिर एक अंतिम सवाल, क्या अगर जैसा कि आपने पूरा विश्वास जिताया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव की नौ सीट अगर शिवसेना या माले गठबंधन की सीटें नौ की नौ जीती जाती है तो आप अगले विधानसभा के शिवसेना के उम्मीदवार चांदिवली विधानसभा के होंगे? ये भी मैं तो शिवसैनिक हूँ, हमारे सर गठबंधन में ये सीट शिवसेना के खाते में आती है। हाँ, ये शिवसेना के खाते में सीट आते है तो 100% है, लेकिन मैं ऐसा एक शिवसैनिक हूँ कि हमारे नेता का शिवसेना के प्रमुख हो या शिवसेना के पक्ष प्रमुख हो, वो जो आदेश देते हैं वो आदेश का हम पालन करते हैं, और वो उनके आदेश का हमेशा पालन करते रहेंगे। वो अगर कहेंगे चुनाव लड़ाओ तो जरूर लड़ाएंगे और जीत के भी आएंगे। ये थे एकनाथ घाक, जैसा उन्होंने बिल्कुल सफाई से बिल्कुल ईमानदारी से जिन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि एक मैंने उनको तब से देखा है जब शिवसेना सरकार में रही न रही, कभी भी उन्होंने अपना राजनीतिक स्तर उन्होंने कहीं पे आका नहीं। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने विश्वास दिखाया है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर नौ की नौ विधानसभा कॉर्पोरेट सीटें जीत लेते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और महानगर पालिका चुनाव के जैसे उम्मीदवार डिक्लेयर होते हैं फिर हम आपसे उनसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन प्रतिमा के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज, चांदिवली विधानसभा, कुर्ला, मुंबई।